यूरोपियन स्टडी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि लोकसभा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको आप लोगों को बताया था कि भारतीय संसद के तीन अभिन्न हैं, अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो मैंने राष्ट्रपति के बारे में और राज्यसभा के बारे में भी पढ़ा दिया है, आज मैं आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मस्ट ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है लोकसभा, ठीक है, ऐसे रो दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उल्लेख, यानी कि भारतीय संविधान में लोकसभा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 81 में किया गया है, यानी कि 81वें अनुच्छेद में भारतीय लोकसभा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ। अब आगे देखिए, यह संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। भारतीय संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा है। देखिए भारतीय सदन का निम्न सदन जो है लोकसभा और उच्च सदन जो है राज्यसभा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन राइज होता है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा, उच्च सदन जो है राज्यसभा, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इसके सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है। भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है, तो 500 निश्चित की गई है, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक अगर संख्या पूछता है कि भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक संख्या जो है 552 हो सकती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके सदस्यों को चलाने के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को चुनती है। भारतीय संविधान में लोकसभा को चलाने के लिए सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि भारतीय लोकसभा को चलाता है। उसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 में है, यानी कि 93 में है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। लोकसभा के सदस्य होने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या क्या योग्यता हो तो आप लोकसभा के सदस्य हो सकते हो। तो आइए बताते हैं, जैसे पहले लिखा है वो भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे पहले मस्ट है कि आपको भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्य आप बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान हो। अगर नहीं भी हो तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान होना बहुत जरूरी है, तभी ही आप लोकसभा के सदस्य माने जाएंगे, ठीक है। उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष आपको उम्र निर्धारित किया गया है, या 25 वर्ष से ज़्यादा हो। इससे क्वेश्चन भी आता है कि लोकसभा की न्यूनतम आयु क्या है, लोकसभा के लिए कम से कम, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए, तो 25 साल। तो आपको मैं ये भी रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि लोकसभा के लिए आपको 25 साल चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम आपको 30 साल या 30 से अधिक चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हो। या राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको कम से कम 35 साल उम्र चाहिए या 35 साल से अधिक चाहिए, ठीक है। इसी वीडियो में मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। आगे देखिए, वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर न हो, यानी कि वो किसी भी सरकारी नौकरी पर न हो या सरकारी किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगर सरकारी लाभ के पद पर भी हो तो उसको लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसको त्याग करना पड़ेगा या त्याग पत्र देना पड़ेगा, तभी ही आप लोकसभा के सदस्य माने जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है और उसका अधिकार क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या अधिकार आता है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार के बारे में बता रहा था। ये बताने से पहले मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया है, जो कि मेरे को ऐसा लगा कि ये बताना जरूरी है कि वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला, यानी कि ओम बिरला भी कहीं कहीं आता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ओम बिरला। इससे पहले जो एक महिला थी सुमित्रा महाजन, अभी वर्तमान में अगर पूछता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप जो है ओम प्रकाश बिरला मारोगे अगर आता है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में अधिकार, पहला है कि संसद के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित करना,
यानी कि संसद के जो भी सदस्य हैं वो अपना प्रश्न जो है क्वेश्चन रखते हैं लोकसभा स्पीकर के सामने, लोकसभा अध्यक्ष के सामने, तो उस प्रश्नों को एक्सेप्ट करना और उसको नियमित करना तथा नियम के विरुद्ध घोषित करना। अगर वो क्वेश्चन, अगर वो प्रश्न जो है नियम के विरुद्ध होता है तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष का पावर है कि वो बताता है कि नहीं आप जो है नियम के विरुद्ध बोल रहे हो, उनको लोकसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है। ठीक है, देखिए आगे, संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, वो भाषणों का क्रम और समय निर्धारित करना, संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को ही, लोकसभा अध्यक्ष को ही ये पावर है कि वही जो है अपने समय को निर्धारित करता है और वो जो बोलता है कि नहीं लेट्स द टाइम हैज बीन स्टार्ट, कि अब आप लोग का समय स्टार्ट होता है, तो एक एक करके बारी बारी से लोकसभा के सदस्यों का नाम बोल के और वो निर्धारित करता है कि आप, आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हो या बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये जो क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी पुष्टि कौन करता है, तो आप इसमें लोकसभा अध्यक्ष मारोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई भी विचाराधीन विधेयक पर वो बहस रुकवा सकता है, कोई भी विधेयक हो यानी कोई भी बिल हो, कोई भी बिल पारित हो जैसे कि लोकपाल बिल या कोई माने वित्त बिल, वित्त विधेयक या वित्त बिल, कोई भी विधेयक अगर वो विचाराधीन हो माने वो मिलता जुलता ना हो या विचार से अधीन हो, वो उसका विचार मिलता जुलता ना हो, तो उस बहस को रुकवा सकता है। उस बहस को कौन रुकवा सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष रुकवा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर है कि कोई भी अगर बिल जो है विचाराधीन है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष जो है रुकवा सकता है। ठीक है, देखिए पांचवा क्या है, किसी भी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हल्ला गुल्ला शोरगुल वगैरह होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है उस कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। तो उस स्थगित प्रस्ताव को जो है जो भी मैंने जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे चर्चा होता है वो फिर से लोकसभा अध्यक्ष चालू कर सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है सीधा सीधा। ठीक है, इसमें आपको एक और क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि जैसे कि लोकसभा के विपक्ष होने के लिए, मैंने विपक्ष होने के लिए कम से कम आपको 55 सीटें या 55 से अधिक सीटें होने अनिवार्य है। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है कि लोकसभा में विपक्ष होने के लिए आपको कम से कम कितनी सीटें चाहिए, तो 55 या 55 से अधिक सीटें चाहिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ जाता है जिसे, इसमें देखिए जो है मैंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार के बारे में बताया हूँ, तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष भी कार्य करता है। जैसे अध्यक्ष अगर ना हो, अध्यक्ष का पद खाली हो, तो वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कार्य करता है। तो उपाध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा या त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया। अगर इस टॉपिक से यानी लोकसभा टॉपिक से अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें मेरे से सवाल कीजिए। ठीक है, मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, PN स्टडी ग्रुप। ठीक है, इससे आपको नेक्स्ट अपडेट हमेशा कुछ ना कुछ नया और सबसे अलग और हटके कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हर बार हर वीडियो में हम लोग कुछ अलग नया हटके करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।